हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे। एक और हाई रिक्वेस्टेड वीडियो के साथ हाजिर है आप लोगों की रेस्टोरेंट पूजा। आज का मेरा टॉपिक क्या है ये आपको पता चल गया होगा आज का टाइटल देखकर। आज मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर आपको बहुत ज़्यादा घुटनों में दर्द होता है, आपकी कमर में दर्द होता है, आपकी कंधों में दर्द होता है, आपकी मांसपेशियों में दर्द होता है और इससे आप हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहते हो, तो इसके लिए आज मैं आपको देसी इलाज बताऊंगी, यानी कि घरेलू नुस्खा। आपको इसे सुनना नहीं है, आपको इसे करना है। आपको एक पाउडर बनाना मैं बताऊंगी। इस पाउडर को आपको अपने हाथों से बनाना है और अपने ही हाथों से खाना है। आप देखोगे जो आपका दर्द है हमेशा के लिए इससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको वो भी बताऊंगी कि आपको कौन सी गलती है जो आपको नहीं करनी। अगर आप इस गलती को करोगे तो आपका जो दर्द है ना वो बिल्कुल भी नहीं जाएगा, बल्कि आपका दर्द दिन पे दिन और ज़्यादा बढ़ता जाएगा। तो आपको सबसे पहले किस चीज़ पर ध्यान देना है? आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। आप मुझसे ये बोलोगे कि मैम हर वीडियो में आप पानी के लिए क्यों बोलती हो? तो देखिए, पानी के लिए मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि पानी हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। पानी की कमी हमारी बॉडी के अंदर नहीं होनी चाहिए। अगर हमारी बॉडी के अंदर पानी की कमी हो जाएगी तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो अंदर से निकल निकल के आएंगी और बहुत ज़्यादा बीमारियां हमारे अंदर चली जाएंगी। तो आपको पानी भरपूर मात्रा में पीना चाहिए। कितना पानी पीना चाहिए? कम से कम आपको 8 से 10 गिलास, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 14 से 16 गिलास पानी डेली जरूर पीना चाहिए। पानी कैसा होना चाहिए आपको बता ही रखा है। नॉर्मल पानी आप पिया करें या फिर हल्का गुनगुना पानी पिया करें। तो देखिए, अब पानी पीने का मैंने आपको बता दिया, अब पानी पीने का सही तरीका क्या है? आपको पता है, अगर आप गलत तरीके से पानी पियोगे तब भी जो आपका जोड़ों का दर्द है ये आपका और ज़्यादा बढ़ता हुआ जाएगा। आपकी बॉडी में जो पेन होता है ना ये और ज़्यादा बढ़ जाएगा, ये कम नहीं होगा। तो पानी पीने का भी एक सही तरीका होता है जो आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने एक कहावत जरूर सुनी होगी कि आ वेल मुझे मार। इसका मतलब होता है कि मुसीबतों को न्योता देना। आप अगर खड़े होगे पानी पियोगे तो इसका मतलब है आपके जोड़ों में यानी कि आपके घुटनों में जो दर्द है वो दिन पे दिन बढ़ता ही जाएगा, वो दर्द आपका कम नहीं होगा। आप इस बात को आजमा के देखना। आप खड़े होके पानी पीना स्टार्ट कर दीजिए और देख लेना आपके जो दर्द है ना वो अगर है भी नहीं तब भी होना शुरू हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, पानी को बैठ के आराम से पीना है। अगर आप ये गलती करते हो, खड़े होकर पानी पीते हो, तो आप इस अपनी इस गंदी आदत को सुधारिए और आपको पानी बैठ के पीना चाहिए, तो आराम से और बैठ के पानी पिया करें। अब मैं आपको बात करती हूँ ऑयल के लिए कि आपको अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, आपके घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो यहाँ पर मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि यहाँ पर मैं बात करने वाली हूँ डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के बारे में। तो देखिए, डॉक्टर ऑर्थो एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है जो 8 तेलों से बनी हुई है और ये 100% नेचुरल है। इसमें हार्मफुल केमिकल या फिर किसी भी तरह का कोई भी केमिकल नहीं मिलाया गया है। और देखिए, मार्केट में जो और भी पेन किलर आपको मिलते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। इसे आप डेली यूज कर सकते हो। डेली आप जहाँ पर आपको दर्द रहता है उस जगह पे आप इस ऑयल से मसाज कर सकते हो, आपको इससे बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल है जो ये किस तरीके से काम करता है, मान लीजिए आपके घुटने में बहुत ज़्यादा दर्द है, आप घुटने में इसे हल्के हाथों से मसाज करोगे तो उस जगह पर ये ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है और उसकी वजह से क्या होगा, आपका जो घुटने का दर्द है में बहुत ही जल्दी से आपको आराम मिलेगा। ब्लड सर्कुलेशन जब बढ़ता है तो उस जगह पे आपकी होने वाली सूजन है, ऐंठन है, उसमें आपको बहुत ही जल्दी से आराम मिलेगा। तो डॉक्टर ऑर्थो ऑयल है, इसे आप कहाँ कहाँ पर लगा सकते हो? इसे आप अपने घुटनों पे लगा सकते हो, अगर आपके घुटनों पे बहुत ज्यादा दर्द होता है। अगर आपके कंधों में बहुत ज्यादा दर्द है तो अपने कंधों पे लगा सकते हो। अगर आपको मांसपेशियों में बहुत ज्यादा पेन होता है तो वहां पे भी आप इसे लगा सकते हो। और अगर आपको कहीं पर भी बाहरी सतह पे दर्द होता है तो उस जगह पे आप इस ऑयल से हल्के हाथों से मसाज कर सकते हो, आपको बहुत ही जल्दी से आराम दिलाएगा। भारत का सबसे ज्यादा बिकने वाला पेन किलर आयुर्वेदिक ऑयल ये डॉक्टर ऑर्थो ही है। अगर आपका जो दर्द है बहुत ज्यादा पुराना है, आप काफी टाइम से दर्द से परेशान हो, तो आप क्या करें, जो ये डॉक्टर ऑर्थो तेल है इससे आप मसाज भी करें। तो चलिए, अब मैं आपको बताती हूँ मालिश करने का सही तरीका। तो देखिए, आपको अपने हाथों में थोड़ा सा ऑयल इस तरीके से लेना है जिस जगह पे आपको बहुत ज़्यादा पेन की प्रॉब्लम है, जैसे कि घुटना है, घुटने में अगर आपको बहुत ज़्यादा दर्द है तो आप इस तरीके से घुटनों की मालिश करनी है। और मालिश करने के बाद आप इस मालिश को 2 या 3 टाइम कर सकते हो। करने के बाद आपको एक कपड़ा लेना है और कपड़े से अपने इस घुटने को, मतलब जिस जगह आप मसाज कर रहे हो उसे अच्छे से कवर करके छोड़ दीजिए, मतलब उस जगह पर आपको गर्माहट मिलनी चाहिए।
और साथ में ये कैप्सूल भी खाएं, दोनों को साथ में लें। तो कैप्सूल आपको दो टाइम लेना है, आपको मॉर्निंग में खाना खाने के बाद लेना है और इवनिंग में खाना खाने के बाद लेना है, तो ठीक है। और लगातार आप इन्हें 3 महीने ले सकते हो, 3 महीने के बाद आप इन्हें बंद कर दें। और जो ऑयल है ये आपका ऊपर से काम करेगा, जब आप ऊपर से दर्द वाली जगह पे इसे लगाओगे तो ऊपर से आपको आराम दिलाएगा। तो आपको इन दोनों से, दोनों ही तरफ से आराम मिलेगा, अंदर से भी मिलेगा और ऊपर से भी मिलेगा। डॉक्टर ऑर्थो भारत का बहुत ही प्रसिद्ध है, और डॉक्टर ऑर्थो भारत में ही नहीं पूरी दुनिया के अलग अलग देशों में प्रसिद्ध मेडिसिन है। डॉक्टर ऑर्थो के रिजल्ट बहुत ही अच्छे आते हैं। अगर आप इन्हें लेना चाहते हो तो इनका लिंक दे दूंगी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से इन्हें बाय कर सकते हो। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ पाउडर बनाना। जिस पाउडर को आपको बना के और डेली लेना है उससे आपको आपके दर्द में बहुत ही जल्दी से आपको आराम मिलेगा और आपके दर्द से हमेशा के लिए आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं ये पाउडर आपको कैसे बनाना है। तो देखिए सबसे पहले लेना है 1 चम्मच मेथी पाउडर। जो मेथी दाना आता है उसे मैंने अच्छे से सुखा के मिक्सी जार में डाल के इसका पाउडर बना लिया। 1 चम्मच आपको लेना है सौंठ पाउडर। जो अदरक होती है उसका, उसके मतलब सुखा के उसका पाउडर बनाया जाता है, ये आपको किसी भी जनरल स्टोर पे मिल जाएगा। 1 चम्मच मैंने लिए यहाँ पर हल्दी, और हल्दी पाउडर आप कोई भी ले सकते हो, जो आप अपनी किचन में यूज करते हो वो भी ले सकते हो। तीनों को आपको अच्छे से मिला देना है, बस आपको इतना ध्यान रखना है तीनों की क्वांटिटी आपको बराबर मात्रा में लेनी है। आप चाहो तो इस पाउडर को आप ज़्यादा भी बना के रख सकते हो, जितना मर्जी बना के रखिए, इसे स्टोर करके आप किसी भी टाइट कंटेनर में भर के रख सकते हो। अब लेने का तरीका इसका है, आपको 1 गिलास गुनगुना पानी लेना है जब आप नाइट में सोने के लिए जाते हो, या फिर दिन में किसी भी टाइम आप इसे 1 चम्मच ले लीजिए और 1 चम्मच खाने के बाद आप ऊपर से गुनगुना पानी पी लीजिए। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको सब कुछ समझा दिया कि आपको कैसे पाउडर बनाना है, कैसे लेना है, क्या गलती नहीं करनी है, क्या खाना है और किस तरीके से आपको इस पाउडर को डेली खाना है, सब कुछ बता दिया। जैसे मैंने बताया है उसी तरीके से आपको मेरे टिप्स फॉलो करने होंगे और आप मेरे बताए अनुसार चलोगे तो आप देखोगे आपको दर्द से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, और अगर आप लोगों को ऐसा लगे कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो मेरी वीडियो को लाइक करना, वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, अपने फ्रेंड्स में, अपनी फैमिली में, सब जगह शेयर करना। और आप सब लोग मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर लेना, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है नेचुरल पूजा। मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका लिंक दे दिया है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां पे मैंने इतने अच्छे अच्छे व्लॉग्स डाले हैं आपके लिए। और अगर आपने नहीं देखे तो जाके देखिए और कमेंट्स करके बताइए कि आप लोगों को कैसे लगे। तो ऐसी ही प्यारी सी वीडियो के साथ आप लोगों से बहुत ही जल्दी से मुलाकात होगी, और हाँ लाइक चेक करके जरूर जाना। ओके बाय, टेक केयर, लव यू।